जबलपुर में बीते कुछ दिन पहले अधिवक्ता हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ अनगल टिप्पणियां कर रहे थे, तो इन्हीं टिप्पणियों को सोशल मीडिया पर वह पोस्ट भी करते थे, वो प्रचारित करते थे, जिसके चलते बार एसोसिएशन ने इन वकीलों को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वह नहीं माने और अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो इसके विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी के नेता राममूर्ति मिश्रा ने बीजेपी नेताओं के साथ कमिश्नरी पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है। राममूर्ति मिश्रा का कहना है कि हिंदू धर्म के देवी देवताओं का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, किसी भी जाति विरोधी की बात नहीं है, लेकिन हिंदू देवी देवताओं का अपमान यदि कोई करेगा तो उसके खिलाफ हम आंदोलन जरूर करेंगे। किसी भी समाज के व्यक्ति द्वारा अगर जानबूझकर किसी समाज के प्रति, हिंदू के प्रति अनर्गल वक्तव्य देगा, मीडिया में प्रसारित करेगा, व्हाट्सएप के द्वारा प्रसारित करेगा, तो निश्चित रूप से इसका हम प्रतिकार करेंगे। हम किसी समाज के खिलाफ में नहीं हैं, ब्राह्मण समाज कभी किसी के खिलाफ में अनगल प्रचार नहीं करता। हिंदू इसका सापेक्ष पक्ष, हमारा सनातन धर्म कहता है हम किसी जाति धर्म के विषय में कोई अनगल प्रलाप न करें, वक्तव्य ना दें, व्हाट्सएप पर इस तरह की प्रतिक्रिया ना दें। अगर इस तरह की प्रतिक्रिया का पुनरावृत्ति होता है, अगर उसका दोबारा इस तरह की हलचल होती है, तो निश्चित इसका प्रतिकार हम जबरदस्त करेंगे, जिसका विरोध आम जनता भी देखेगी और लोग भी देखेंगे, समाज के लोग भी देखेंगे, इसका प्रतिकार जबरदस्त होगा। विगत कुछ दिनों से व्हाट्सएप और फेसबुक में कुछ अधिवक्ता साथियों द्वारा जो बार काउंसिल में मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद में जिनकी सदस्यता ही नहीं है, वो और उनके साथ दो अन्य अधिवक्ता कुशवाहा और यादव, तीन लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप पर हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ अनर्गल टिप्पणियां की, इतनी अशोभनीय कि उनको पढ़ने के बाद आक्रोश आना निश्चित रूप से लाजमी। जिला अधिवक्ता संघ ने उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए बार एसोसिएशन को, बार काउंसिल को, मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद को लिखा। मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद ने जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया को भी इस संदर्भ में लेटर प्रेषित कर दिया है।